हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्यों कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के अंदर इनब्रीडिंग मतलब कि क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं लाइक ब्रदर सिस्टर्स की शादी हुई आपकी या भाई बहनों की जो शादियां आपको देखने को मिलती हैं वो ज़्यादा होती हैं या उनमें इनब्रीडिंग को प्रमोट किया जाता है और कुछ जो पॉपुलेशन है उनमें इनब्रीडिंग या को आपका एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं या इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं। तो इसके पीछे आज हम रीजन जानने वाले हैं कि क्या क्या रीजन्स आपको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपको ग्रीक सिविलाइजेशन में इनब्रीडिंग को प्रमोट करते हुए देखने को मिलेगा, आपको हिब्रू सिविलाइजेशन में, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में और भारत के अंदर भी जैसे कि हम बात करें कुछ कम्युनिटीज हैं उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे ब्रदर सिस्टर मेटिंग बहुत ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलती है या उसको वो प्रमोट करते हैं। तो क्या रीजंस है कि ये लोग ब्रदर सिस्टर मेटिंग या इनब्रीडिंग को प्रमोट करते हैं? तो पहला रीजन ये आता है कि कुछ लोगों का मानना ये है कि उनका जो ब्लड है वो डाइल्यूट हो जाएगा अगर वो दूसरे व्यक्ति के साथ या दूसरे क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के साथ मेटिंग नहीं करते हैं। तो दूसरे के साथ जब वो मेटिंग करेंगे या शादी करेंगे तो वहाँ पे जो उनका ब्लड है या जो उनका लाइन है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा और एक तरीके से कंटामिनेशन देखने को मिलेगा। दूसरा एक और रीजन यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ कम्युनिटीज़ का मानना ये है कि हमारी वेल्थ जो है वो धीरे धीरे बट जाएगी अगर हम क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग करते हैं या क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में शादी नहीं करते हैं। तो अगर हम क्लोजली रिलेटेड भाई बहन के बीच में शादी देखने को मिलती है या ब्रदर सिस्टर मेटिंग देखने को मिलेगी इन कम्युनिटीज़ के अंदर, तो जो फैमिली वेल्थ है वो हमें उसी पर्टिकुलर फैमिली के अंदर देखने को मिलेगी। थर्ड रीज़न हमें देखने को मिलता है जो कि होता है एनिमल्स के अंदर। अब क्या होता है कि एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो उसके कारण भी हमें देखने को मिलता है कि लोग इनब्रीडिंग को प्रेफर करते हैं, मतलब कि क्लोजली रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में आपको मेटिंग देखने को मिलेगी लाइक द बफेलो हुई, काउ वगैरह, सिप वगैरह। तो इन सब में भी आपको ये रीजंस यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये तीन रीजंस हैं जिसके कारण बहुत सारी पॉपुलेशंस इनब्रीडिंग को प्रमोट करती हैं। तो आपको भी अगर कोई इस तरीके की कम्युनिटीज़ के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इंडिया में बहुत सारी जो पॉपुलेशंस हैं या कम्युनिटीज़ हैं वो इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करती हैं या उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदुइज्म में बोला जाता है कि एक गोत्र में जनरली शादी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये वाले जो केसेस होते हैं ये क्या करते हैं, इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करने का काम करते हैं ये पर्टिकुलर कम्युनिटीज, जिसके कारण हमारे क्या होता है कि रिसेसिव जो एलील्स हैं वो एक साथ होमोजाइगस कंडीशन में नहीं आ पाते हैं और हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को नहीं मिलता है। तो आपका क्या कमेंट है इसके बारे में, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इनब्रीडिंग आपका एक तरीके से सही केस है या आपका एक तरीके से गलत केस आपको देखने को मिल रहा है, जिसको आगे प्रमोट करना चाहिए या प्रिवेंट करना चाहिए। तो आपका जो भी इसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।